प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि अब तक आप अपनी परीक्षा की तैयारी एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और कर चुके भी होंगे। अब बारी आ रही एग्जाम देने की। एग्जाम हाल में थोड़ा सा आपको संकोच हो सकता है कि पेपर कैसे दें। होता क्या है कि अगर आपने समय मैनेजमेंट नहीं किया तो अच्छे बच्चे जो कंटेंट लिखते लिखते क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर छूट जाते हैं और बच्चा बाद में क्लास से बाहर आकर के बहुत पछताता है कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे लेकिन मैंने इसको आंसर नहीं कर पाया। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर दें, जिसके लिए मैंने क्या किया है, समय को बांट करके बताया है कि आप किस समय में किन प्रश्नों का कितने समय में उत्तर दें और अंतिम समय तक आप सभी प्रश्नों को आप देख पाएंगे कि आपने सभी प्रश्नों को टच किया और सभी प्रश्नों का आंसर आपने दिया। तो आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपका पहला पेपर आपको पता होगा कि हिंदी का है। पहले पेपर में जा करके पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे होंगे तो आपको हो सकती है कि कुछ परेशानियां हों, लेकिन उस परेशानियों से दूर होने के लिए मैं आपको एक और वीडियो दूंगा एग्जाम से पहले। और एग्जाम से पहले मैं जो वीडियो दूंगा बताऊंगा कि आपको एग्जाम हाल में क्या करना क्या नहीं करना है। दूसरी चीज, ये वीडियो मैं स्पेशल आपके विषय पर और आने वाला हर विषय पर आपको समय डिविडेशन का वीडियो दूंगा। तो आप आइए शुरुआत करते हैं कि आप करेंगे क्या एग्जाम हाल में, समय का डिवाइडेशन कैसे करेंगे। देखिए, जब पेपर मिलेगा तो पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, लेकिन आप उसमें से 10 मिनट यूज करिएगा। लेकिन एक चीज, मेरी बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर पढ़ना है न कि उत्तर देना। अर्थात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेपर पढ़ते हैं और उसके उत्तर में उत्तर को अंदाजने लगते हैं अपने दिमाग में, मुझे आ रहा है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको तेजी से प्रश्नों को पढ़ करके ये जानना है कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कितने हैं, है ना, और किस तरह से क्वेश्चनों को पूछा गया, बस इतना ही करिएगा। पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, ठीक है। आपको क्या करना, पेपर के सारे पैटर्न को जान लेना है और समय का डिवाइडेशन कुछ इस तरह से करना। शुरू के 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन 10 मिनट मैं आपको कहूंगा कि केवल 10 मिनट यूज करिए, पेपर के सारे पैटर्न को समझ लीजिए। अब पेपर रखिए, अब पहले क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना, मैंने एक वीडियो आपको बनाया है, वीडियो बनाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप कमेंट करिएगा ताकि उस वीडियो को देख करके आप जान पाए कि बोर्ड कॉपी में हमें लिखना कैसे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं कि जब 10 मिनट पेपर में खर्च कर देंगे, अगर एग्जाम आपका 8 बजे शुरू हुआ तो 8:15, 8:10 तक आप पेपर में को क्या करें, केवल 8:10 तक पेपर का पैटर्न समझ करके पहले प्रश्न पर आ जाएं, पहले प्रश्न से शुरुआत करें, है ना। और इसमें पहले प्रश्न पर 10 मिनट मैंने दिया है तो 10 मिनट अगर यूज करेंगे तो आपका समय 8:20 हो जाएगा, ठीक। 8:20 के बाद आप अगले क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है, इस पर भी 10 मिनट के अंदर आपको इसको आंसर करना है और 10 मिनट के अंदर आप बहुत लंबा अच्छा समय होता है 10 मिनट, 10 मिनट में आप आसानी से इन प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। तो आपका समय जो टोटल था, आपका समय अभी 8:20 हो रहा था, 10 मिनट इस पर समय खर्च करेंगे तो 8:30 हो चुका होगा। आगे फिर बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न 20 मिनट मैंने दिया है, आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे और 20 मिनट का मैंने समय इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा लंबा प्रश्न है, लंबे प्रश्न का आंसर भी लंबा होता है, तो 20 मिनट खर्च करेंगे अर्थात 8:50 तक इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आगे फिर आपका जो नौ चौथा प्रश्न है इसको हल करेंगे। चौथे प्रश्न को, हाँ, यहाँ पर आपने 3 प्रश्न हल किया, चौथे प्रश्न पर आएंगे। चौथे प्रश्न पर मैंने 20 मिनट दिया, 20 मिनट इस पर खर्च करेंगे तो भी, चूंकि ये भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो 20 मिनट मैंने समय दिया है तो 9:10 हो चुका होगा। और 9:10 तक आप प्रयास करेंगे कि चौथे प्रश्न का जो भी आंसर आपको सिस्टमेटिक ढंग से आता है उसको आंसर कर ले। फिर 9:10 के बाद आप 20 मिनट खर्च करेंगे पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवें प्रश्न पर आप 20 मिनट जब आप खर्च करेंगे, देखिए 3-3, 6 नंबर के प्रश्न है, थोड़ा लंबा आंसर होता है, तो आप 20 मिनट यहाँ खर्च करेंगे तो अभी आपका जो टाइम 9:10 हो रहा था, 20 मिनट खर्च करेंगे तो टोटल 9:30 हो जाएगा। 9:30 तक आप पांचवा प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। फिर छठवें प्रश्न पर आए, यहाँ पर भी 10 मिनट खर्च करें और 10 मिनट में इसका आंसर दे करके आप
का जो समय हो चुका होगा 9:40 हो चुका होगा। छठवां प्रश्न आप 9:40 तक कर चुके होंगे, है ना। कुछ प्रश्नों में समय थोड़ा 1-2 मिनट कम बेसी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी पर उसके अंदर लिखेंगे उसके अंदर नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन प्रयास करें कि समय की बाध्यता के अंदर प्रश्नों के आंसर करें, क्योंकि सारे प्रश्नों को आपको टच करना, ठीक। 9:40 के बाद आप इस प्रश्न सातवें प्रश्न पर आए, सातवां प्रश्न भी मैंने 10 मिनट दिया है, तो यहां पर आपका समय लगभग 9:50 हो चुका होगा। फिर 9:50 के बाद मैंने आठवें पर 20 मिनट का समय दिया, तो आप भी 20 मिनट का समय दे करके इसको हल करिए, और 20 मिनट में सारे प्रश्नों का आंसर करके आप पाएंगे कि आपका जो समय होगा 10 मिनट, 10:20 जोड़ेंगे तो 10:10 हो चुका होगा। अब 10:10 के बाद आप नवे प्रश्न पर आइए। दूसरी चीज देखिए, एग्जाम हाल में थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, आपको अगर घबराहट हो, बेचैनी हो, प्रश्नों के उत्तर आ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत घबरा, तो लंबी लंबी सांसें भी लीजिए और लंबा सांस लेकर के फिर आप क्या करिए, अपने प्रश्नों को आंसर करने में जुट जाइए, ठीक। अगला जो 10 मिनट है मैंने नवे प्रश्न पर दिया है, नवे प्रश्न में टोटल लंबा ये प्रश्न है, लेकिन उसके आंसर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे आंसर के नाते इस पर 10 मिनट में आप चाहेंगे तो आंसर हल कर लेंगे, ये 10:20 तक यह क्या होगा, इसका भी आंसर आप कर लेंगे। नौवे प्रश्न का सभी खंडों को आप करना है, सभी खंडों को जब करेंगे तो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का आंसर करना होता है, तो 10 मिनट में इसको आंसर कर लें, आपका समय क्या हो जाएगा 10:20 नौवे को हल करने के बाद 15 मिनट आप 10वें पर हल करेंगे, तो आपको जो समय हो जाएगा 10:35 10:35 तक आप किस प्रश्न का 10वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 10:35 के बाद आप 11वें प्रश्न पर पहुंचे, 11वें प्रश्न पर जाकर के आपको मैंने 15 मिनट दिया, जहां पर एक निबंध है उस निबंध में टोटल 15 मिनट लगाइए, जो भी चीजें आप जान पाते हैं, और 15 मिनट के अंदर जब आंसर करेंगे तो आपका जो समय होगा 10:50 हो चुका होगा, है ना। अब 10:50 के बाद आप क्या करिएगा, 12वें प्रश्न पर आइएगा, 12वें प्रश्न पर आकर के यहाँ पर मैंने कहा 20 मिनट का समय दीजिए, अर्थात 11:10 हो चुका हो, अर्थात 20 मिनट टोटल जब आप खर्च करेंगे तो 11:10, एग्जाम 11:15 तक होगा, आपका जो 5 मिनट मिलेगा उस 5 मिनट के अंदर आप कॉपी को सही क्रम में, अगर आपने ए बी सी कॉपियां ली है सही क्रम में बांध करके तैयार कर लें, तैयार करके आप ये चेक कर लें कि मेरा रोल नंबर नाम फ्रंट पेज पर सही है कि नहीं है, उसके बाद कॉपी को सबमिट करें। सबमिट करते समय कभी भी अब ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपका कॉपी लेने आ रहा है और आप लिख रहे हो, वो जबरदस्ती अगर कॉपी को खींच दिया फटेगा तो समस्या आपको होगी, इसलिए आप पहले से सतर्क रहें कि कॉपी भी रेडी रखें उसके बाद। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि अंतिम क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ही आप सभी कॉपियों को सही कर लें, और तब उसके बाद लिखना शुरू कर सकते हैं, और लिखने के बाद जब आएंगे तो आप तुरंत बंद करके उनको कॉपी दे दीजिए। तो इस तरह से अगर आप आंसर करेंगे तो सभी समयों का उपयोग करके आप सभी प्रश्नों को टच कर पाएंगे और एक अच्छा आंसर आप अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि अगर किसी विषय पर आपको कोई समस्या हो किसी भी विषय पर तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इस पर वीडियो बना करके जरूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हो सके तो अन्य बच्चों के लिए जरूर शेयर करें। धन्यवाद।